नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। एकता कपूर की एडल्ट वेब सीरीज ट्रिपल एक्स टू रिलीज के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है। लोगों ने एकता को काफी ट्रोल भी किया था। सीरीज पर देश के सैनिकों के अपमान का आरोप लगाते हुए यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, हालांकि उस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई थी। अब भाव ने एक बार फिर एकता कपूर के खिलाफ इस वेब सीरीज को लेकर मोर्चा खोल दिया। रिपोर्ट्स की माने तो भाव ने वेब सीरीज में भारतीय सेना की वर्दी का कथित रूप से अपमान करने को लेकर मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत में क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करा दी है। इस बारे में बात करते हुए उनके वकील काशिफ खान ने बताया है कि मेरे मुवक्किल ने एकता कपूर और अन्य लोगों के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने अदालत के समक्ष क्रिमिनल कंप्लेंट की है। हिंदुस्तानी भाव की ओर से की गई शिकायत में सिर्फ एकता कपूर का ही नाम नहीं है, बल्कि उनकी मां शोभा कपूर, पिता जितेंद्र कपूर और उनके वेब प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी का भी नाम है। और मामले की सुनवाई आने वाले 24 अगस्त को होगी। जानकारी के लिए बता दें कि सीरीज में एकता कपूर ने भारतीय सेना के सैनिकों के बारे में गलत बातें दिखाई हैं। जब सैनिक सीमा पर देश की सेवा करने जाता है, तब उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर सैनिक की वर्दी का गलत इस्तेमाल कर उसका मजाक बनाती दिखाई देती है। हालांकि बाद में एकता ने भारतीय सेना से इस आपत्तिजनक सीन के लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन ट्रोलर्स को कौन समझा है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी भाव का इन सब बातों के लिए विरोध एकता कपूर के लिए दिन पर दिन और मुसीबत खड़ा करता जा रहा है कि मैंने मेरे टीम को बोला कि ये गलत है, आप लोग माफी मांगो, मगर भाऊ ने ऐसा किया वैसा किया, तो इसके लिए मेरा माइंड चेंज हो गया। क्या किया मैंने? बोलते रेप की धमकी दे रहे, मारने की धमकी दे रहे। सबूत बता। चल मैंने किया है ना, मेरे पे केस कर, मगर तू ये मानती है ना कि तूने गलत किया, वर्दी का अपमान किया, मानती है ना? तो माफी मांग इंडियन आर्मी से, माफी मांग उनकी फैमिली से, माफी मांग। क्यों नहीं मांग रही है? बोलती है ना मैंने ऐसा किया, रेप का धमकी दिया, मार डालने का धमकी दिया। पहला तो सबूत नहीं तेरे पास, मैंने कुछ बोला नहीं है। फिर भी अगर तेरे को ऐसा लगता है तो हमारा कानून क्यों है? जाना मेरे नाम की कंप्लेंट कर, नहीं कर सकती, बड़बड़ना आता है। और अभी वो क्या कर रही है, वुमन का बता रही, मैं एक लड़की है और लड़की को ऐसे ट्रेट मैसेज आ रहे हैं, धमकियां आ रही है, ये आ रही है। क्यों, तू लड़की है तो वो कौन थी? जवानी की बीबी वो लड़की नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है। हाँ, एक बार ना देखना, जवान की बीबी होना ना बहुत बड़ी बात होती है। वो जब सरहद पे जाता है ना, तो वो बाप भी बनती है, माँ भी बनती है, बच्ची भी बनती है, सब बनती है, बेटा भी बनती है और पूरा घर संभालती है। एक बार उसके जगह पे जाके देखो उसके बिचारी के। देखो वो फालतू लोग हैं, लोग बकवास लोग हैं।